नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए हीरो के ग्लैमर एक्सट्रैक लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक में दी हुई है। कंपनी ने काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए हुए हैं इसमें। यह लीड करने आई है SP125 को और Raider 125 को, तो आकर्षक लुक के साथ में आती है ये। इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,01,829 रुपये की मिल जाती है अलवर में। इस शोरूम का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऊपर हीरो का 3D में लोगो, DRLs, LED में आपको लाइट मिलती हैं, हैलोजन बल्ब में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। इस तरीके के डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इंडिकेटर को। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर, ये ड्रम वेरिएंट है, इसमें आपको डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है। यह 80/118 के टायर मिल जाते हैं आपको फ्रंट में। ग्लैमर एक्सटेक ग्लैमर आपको 3D में मिल जाएगा लिखा हुआ, जो कि आकर्षक लुक दे रहा है। FI की बेजिंग, i3S की बेजिंग, इंजन पे आपको हीरो की बेजिंग, यहाँ पे हॉर्न प्लेस किया हुआ है। कैश गार्ड आपको लगा के दिया जाएगा। साइड स्टैंड कट ऑफ के साथ में आती है ये। 5-speed गियर बॉक्स के साथ में आती है। चेन कवर के साथ में आती है ये। साइड गार्ड दूसरी तरफ से बात कर लेते हैं इसकी। ग्लैमर 3D में लिखा हुआ, काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स दे रखे हैं कंपनी ने इसमें। सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान दिया है कंपनी वालों ने इसमें। आपके यहाँ पे आपको एक प्लेट लगा के दी जाएगी, जिससे आपके कोई गर्म नहीं लगे पैर वैरों में, हाथों में, बच्चों को प्रोटेक्ट करे। ये वो इंजन है, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन 125 cc का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.8 PS की और टॉर्क जनरेट करता है 10.6 Nm की। यहाँ पे हीरो की बैजिंग, i3S की बैजिंग, यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। टायर साइज की बात करें तो 100/80/18 के टायर साइज मिलते हैं आपको रियर में। हाइड्रोलिक टाइप की सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको विद स्प्रिंग के साथ में। पीछे का ड्रम और आगे का ड्रम आपको 130 mm का मिलता है। रिम पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, साथ ही में ग्लैमर की बैजिंग। वाइट पट्टी मिलती है आपको रिमों में आगे और पीछे की, जो कि चलते वक्त काफ़ी अच्छा लुक देती हैं। ये हैलोजन बल्ब, टेल लाइट LED मिल जाती है। इस तरीके का लुक है टेल लाइट का, जो काफ़ी शानदार लगती है पीछे से। रिफ्लेक्टर, साथ ही में आपको नंबर प्लेट की लाइट, यहाँ पे ग्रैब करने के लिए हैंडल, पियानो ब्लैक फिनिश में। ये सीट मिल जाती है काफ़ी लंबी टेक्सचर के साथ में, रब करते हैं तो पता लग जाता है टेक्सचर दिया हुआ है कंपनी ने इसमें। इसकी आपको सीट खोल के दिखा देते हैं, सीट के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टूल और मेडिकल किट मिल जाती है, काफ़ी साफ सुथरा है अंदर से। ये रबड़ की बेल्ट दी हुई है, इसे बांध रखा है। लेफ्ट हाथ के स्विचों की बात करें तो आपको यहाँ पे पासिंग स्विच, ये हाईलो बीम का स्विच, ये इंडिकेटर स्विच, नीचे आपको हॉर्न का स्विच। राइट साइड की ऊपर i3S का, नीचे सेलअप का स्विच मिल जाता है। मिरर आपको इस टाइप के मिलते हैं, जो काफ़ी बढ़िया लुक के साथ में। प्लस कवर और दिया हुआ है। चाबी आपको इस तरीके की मिलती है, दो चाबियां मिलती है नॉर्मल सी। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इस तरीके के एनिमेशन के साथ स्टार्ट होता है इसका मीटर।
ये देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन लुक है मीटर का। यहाँ से सिलेक्ट और दो बटन, यहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, इको मोड देख सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी ब्लूटूथ, एवरेज, इको, यहाँ पे आपको यूएसबी लगाने का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे हीरो लिखा हुआ है, ऊपर भी आपको टेक्सचर दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक का यूज किया है कंपनी ने इसमें, काफ़ी प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ में आती है। इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपको 1,01,829 रुपये की मिल जाती है अलवर में। कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।